फ्रेंड्स, आज मैं दिखलाने देता हूँ कि कैसे हम लोग विंडोज 7 और विंडोज 10 को 12 बूट करें। तो सबसे पहले हम लोग को एक विंडोज 10 यूएसबी फ्लैश ड्राइव चाहिए और एक एक्स्ट्रा पार्टीशन चाहिए। तो इसी वक्त मेरे पास ओनली 4 इंच हार्ड ड्राइव्स हैं। तो ये हार्ड ड्राइव हम लोग नहीं बना सकते हैं, वो भी डिस्क मैनेजमेंट रहेगा। तो डिस्क मैनेजमेंट पर जाते देरी हम लोग क्या करना है, हम लोग को सत्य बेग डिस्क पर दबा के उसे राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम पर जाएं। वो श्रिंक वॉल्यूम पर जाते देरी इस पर 21,000 लिखे और श्रिंक दबाएं। और उसके बाद हम लोग का 20 GB हार्ड ड्राइव मिलने लगा। तो इसे सिंपली हम लोग एग्जाम्पल के लिए राइट क्लिक करके न्यू सिंबल वॉल्यूम जाके नेक्स्ट जाए और नेक्स्ट 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 और ये नहीं होगा तो ये एक एरर पूछेगा, डिस्क मैनेजमेंट यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू वॉल्यूम इन दिस अनअलोकेटेड स्पेस बिकॉज द डिस्क ऑलरेडी कंटेन्स द मैक्सिमम ड्राइव ऑफ पार्टीशन। तो इसे हम लोग कैसे बाईपास करें, तो हम लोग सबसे पहले आप नेट पर जाए और टाइप करें मिनी टूल पार्टीशन विजर्ड और इसे क्लिक कर दे दी। सिंपली फर्स्ट पर जाए, सिंपली डाउनलोड पर जाए और डाउनलोड हो धीरे आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इसे मैं सिंपली कैंसिल करता हूँ, तो ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इसे सिंपली मैं इसे ऑन करता हूँ। तो इसे जाके यहाँ मीटर पार्टीशन दर पार्टीशन तो इसे यस में करता हूँ और यस कर दे रही ये खुलेगा टूल सॉफ्टवेयर। तो इसे सिंपली मीटर पार्टीशन दर फ्री दबाए और फ्री दबाए दे रही है रहा हम लोग का विंडो। तो ये रहे हम लोग के सिस्टम डिजर्व सी डी ई एफ और अनअलोकेटेड डिस्क ड्राइव। तो ये इसे क्रिएट करने के लिए हम लोग अपना लोकल डिस्क जिसे आप 20 GB क्रिएट कर रहे हैं उसे जाके राइट क्लिक करें और सेट पार्टीशन उसे लॉजिकल ड्राइव बनाएं और इसे अप्लाई करें और इसे सब। तो ये हम लोग का एफ ड्राइव लॉजिकल बन रहा है। तो इसे सिंपली राइट क्लिक करके क्रिएट दबाए दे रही इसे रीनेम करें विंडोज 10। तो सिंपली ओके दबाए दे रही हो जाएगा हम लोग का विंडोज 10 ड्राइव। तो इसे सिंपली अप्लाई करें। तो इसे सिंपली ओके दबाए तो हम लोग का एक्स्ट्रा ड्राइव बन चुका है दोस्तों। तो अब हम लोग विंडोज 10 आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग के ड्राइव पर। तो ये ड्राइव बिल्कुल खाली है। तो अब हम लोग का पीसी रिस्टार्ट करेंगे। तो मैं बाहर आ गया हूँ अपने कैमरे से। तो चलिए सबसे पहले मैं मेरा विंडोज 10 यूएसबी फ्लैश ड्राइव दिखलाना चाहता हूँ। तो ये रहा मेरा यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये 8 GB का 10 सेकेंड पेन ड्राइव है। इसमें ही मेरा विंडोज 10 सेटअप है। मैं अगली बार एक अच्छा हाउ टू क्रिएट यूएसबी फ्लैश बूटेबल डिवाइस बनाने के लिए दिखाऊंगा। तो आप चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका लैपटॉप और पीसी शट डाउन करें।
और शरण करते देरी आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव आप अपने लैपटॉप और पीसी पर इंसर्ट करें, और जैसे ही इंसर्ट करते साथ आप अपना पीसी ऑन करते देरी F12 की दबाएं और F12 की दबा दे देरी आपको यहाँ दिखेगा USB और जेट फ्लैश 10 सेकेंड 8 GB, तो उसे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते थे आपको विंडोज 10 का लोगो आएगा और वो बूट होना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का विंडोज 10 का सेटअप। तो ये कैमरा में नहीं दिख रहा है, तो ये रहा विंडोज 10 का सेटअप। तो इसे इंग्लिश और USD और इसे नेक्स्ट करें, और नेक्स्ट करते देरी से इंस्टॉल नाउ क्लिक करें और ये सेटअप स्टार्ट हो रहा है। तो ये विंडोज एक्टिवेट करो बोलेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट की है तो प्रोडक्ट की डालें, और नहीं है तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पर क्लिक करें, और क्लिक होते देरी ये लोड हो गया फिर से। उसके बाद दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करो बोलेगा, विंडोज 10 प्रो होम होम सिग्नल लैंग्वेज, तो इसे विंडोज 10 प्रो पर क्लिक करें और इसे नेक्स्ट दबाएं, और नेक्स्ट दबा दे रही और ये पूछेगा तो रखती माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस टर्म्स से पूछेगा, तो इसे सिंपली आई एक्सेप्ट लाइसेंस नाउ पर क्लिक करें और इसके बाद नेक्स्ट जाए, और नेक्स्ट जाने दे रही आपको देगा विच इंस्टॉलेशन डू यू वांट, तो इसे कस्टम एरिया और कस्टम देते देते आप सेलेक्ट करें अपना बना हुआ प्राइमरी पार्टीशन। तो ये मैं विंडोज 10 नाम रखा हूँ, तो इसे क्लिक कर दे रही नेक्स्ट पर जाए, वो नेक्स्ट पर जाए दे रही दोस्तों ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा विंडोज 10 लेटेस्ट अपडेट क्रिएटर्स अपडेट है। तो इसे कैसे हम लोग डाउनलोड करें वो मैं वीडियो बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो हम लोग वेट करते हैं। ये बहुत देरी, ये बहुत एक कम से कम 20 to half an hour लेगा आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस के देकर। लेकिन आपका 2 GB रैम है तो आप विंडोज 10 32-bit ही सेलेक्ट करें, तो ये सुपर फास्ट हैगा और ये रैम भी उतना खींचेगा नहीं, यूज़ नहीं करेगा, तो 64-bit 2 GB के लिए बहुत स्लो है, वो फुल रैम खींचता है और हम लोग का PC बहुत स्लो होगा। तो ये इंस्टॉल होना हो गया है, तो ये अब रिस्टार्ट कर रहा है। तो ये विंडोज 10 बूट हो रहा है, तो जैसे ये बूट होते देरी आपको चेक डिस्क दिखाएगा, तो इसे चेक करने दीजिए और
ये रहती खुद पर दिखलाएगा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करें। तो दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर बोला है और मैं इसे विंडोज 10 पर ही क्लिक कर डाला हूँ, तो थोड़ी देर बाद ये स्टार्ट होगा। तो दोस्तों हम लोग का पीसी रिस्टार्ट हो रहा है। तो रिस्टार्ट कर दे रही है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसे सिंपली विंडोज 10 पर जाके एंटर दबाएं। तो फिर से ये लोड होगा। वेट करो बोलता है। तो ये बहुत हो ले रहा है। Hi there. I'm Cortana and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. तो ये है कोटाना, तो हम लोग का विंडोज 10 आ गया है। तो ये फिर से लोड होना स्टार्ट हो गया है। Your region is set to the United States. Is that right? तो इसे सिंपली यस करें। यस, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। यस। Do you also type with another keyboard layout? No. Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. How about the first one on the list? Want to use that one? So simply आपका वाईफाई पर जाए और उसे Now type your credentials. Mission accomplished. You're all linked up. So इसे next दबाएं। Don't turn off your device, please. It'll mess things up. तो ये अपडेट होना शुरू हो गया है, तो इसे रिस्टार्ट नहीं करें, तो मैं इसे सिंपली पास करता हूँ। Leave your device on, please. We're going as fast as we can. Promise. Restart and keep updating. तो ये अपडेट हो चुका है। तो ये रिस्टार्ट होगा समझते हूँ।
तो ये रहा हम लोग का पीसीबी से रिस्टार्ट हो चुका है। तो ये दोस्तों रिस्टार्ट हो चुका है, तो ये फिर से लोड होना शुरू हो गया है। और फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाइए आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्लिक कर बोला तो इसे जैसे ही आप पासवर्ड टाइप करते दे रही आप नेक्स्ट स्टेप आए तो लोडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसे पिन पासवर्ड टाइप कर बोलता है, तो इसे सिंपल टाइप करें, तो टाइप करने के लिए आप चाहे और नेक्स्ट क्लिक करें और पिन टाइप करें। So it's simply next to buy. Hey, look, it's the me card I've set up. Can I have permission to use the info I need to do my best work? So it's simply yes to buy. Or it's the buy that he say accept kare. Or jaldi say. Okay, that's the last step. Polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. लेगा तो इसे वेट करें। तो ये रेडी हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो देखे स्टार्ट हो गया है। तो ये सर्चिंग फॉर डिस्प्ले ड्राइवर सर्च कर रहा है, तो इसे वेट करें और ड्राइवर सर्च करें। तो ये रहा हम लोग का विंडोज 10 प्रोफेशनल सक्सेसफुली बूट और 12 बूट हो गया है। तो और मैं क्या चाहता हूँ हम लोग के विंडोज 7 फाइल्स और फोल्डर्स बिल्कुल वही जगह पर रह गए। तो ये हम लोग 20 GB बनाया है पार्टीशन में इंस्टॉल होया है। और ये रहा विंडोज 7 का फाइल्स और सारे हम लोग के गेम्स सेटअप फोटोज वीडियोज बैकअप्स
गाने वीडियो शॉपिंग समाज है, तो ये रहा हम लोग का फ्लैश ड्राइव। तो इसमें इंटेल है, तो इंटेल कंपोनेंट का है मेरे मेरे पीसी में, इंटेल और GTX GeForce 1080 दो ग्राफिक कार्ड्स हैं। तो इसे और ये एक्टिवेटेड नहीं है, तो इसे कैसे एक्टिवेट करते हैं वो मैं बना के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अच्छे लिए बस इतना ही दोस्तों, देखेंगे अगली वीडियो पर। तो सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करें। तो आज के लिए बाय बाय।